ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी है, आने वाला कल। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 42वीं कड़ी, जिसका शीर्षक है लोगों के लिए लोगों के द्वारा। सार्वजनिक क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन अब एक जरूरत बन गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और इससे जुड़ी तकनीकों में राजस्व और वित्त एजेंसियों से जुड़ी कई समस्याओं को हल करने की क्षमता है। ये सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली और कर प्रशासन को अधिक कुशल बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। AI का इस्तेमाल भ्रष्टाचार का पता लगाने और धोखाधड़ी करने वालों को पकड़ने के लिए भी किया जा सकता है। AI सक्षम प्रौद्योगिकियां कई बातों की स्पष्ट तस्वीर भी पेश करती है, जैसे पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है, कहाँ माल ले जाया जा रहा है और लेन देन कैसे किया जा रहा है। हालांकि डिजिटल परिवर्तन केवल नई तकनीकों के बारे में नहीं है, बल्कि इसके लिए संगठनात्मक संरचनाओं, प्रशासन, कार्य प्रक्रियाओं, संस्कृति और सोच की जरूरत होती है। इस एपिसोड में बताया गया है कि AI तकनीक सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले कामों को बेहतर बनाने में कैसे मदद करती है और इसे सफल बनाने में जनता की क्या भूमिका हो सकती है। हेलो, ओ ओ ओ बाबू जी। बहन जी। भैया, मुझे गैस सिलेंडर मिल सकता है? बहन जी, आपका नंबर क्या है? हैं? कौन सा नंबर? रुकिए, मैं वहीं आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ बहन जी, कहिए। क्या आपके पास एक सिलेंडर ज्यादा है? ज्यादा सिलेंडर मतलब? हाँ, दरअसल मैंने सिलेंडर के लिए ऑर्डर नहीं किया है। तो बहन जी, मैं आपको बिना ऑर्डर के सिलेंडर कैसे दे सकता हूँ? अरे भाई, गैस सिलेंडर लेने के लिए मैं हमेशा ऑर्डर देती हूँ, लेकिन इस बार भूल गई। अब सिलेंडर खत्म हो गया। तो आप सिलेंडर बुक कर लीजिए। हाँ हाँ, मैं ऐसा करूंगी, लेकिन बुक करने के बाद सिलेंडर मिलने में कुछ दिन तो लगेंगे ना? हाँ, कम से कम 4 से 5 दिन तो लगेंगे। बहुत से लोग सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं ना। वही तो, अब हम 4-5 दिन कैसे इंतजार कर सकते हैं? हाँ, तो अगर मैं आपको 100 रुपए ज्यादा दूं तो मुझे सिलेंडर मिल सकता है ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मैडम। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? हाँ, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मैं कह रही हूं ना कि मैं तुम्हें 100 रुपए ज्यादा दूंगी, अब तो मुझे सिलेंडर दे सकते हो ना। मैं बाद में सिलेंडर बुक करा दूंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, और मुझे रिश्वत देने की कोशिश मत कीजिए मैडम। मैं रिश्वत दे रही हूँ? फिर और क्या कर रही हैं आप? आपको क्या लगता है आप अपने पास मौजूद पैसे से कुछ भी कर सकती हैं? देखो देखो देखो, तुम मुझ पे आरोप लगा रहे हो। अब देखो, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं आपसे ऐसे पैसे नहीं ले सकता। अब सब कुछ कंप्यूटर पर दर्ज होता है मैडम। रहने दो, मुझे सब पता है। जरूरत पड़ने पर कोई भी कंप्यूटर के डेटा में बदलाव कर सकता है। देखो, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं पूरे 150 रुपए ऊपर दे सकती हूँ। हाँ। क्या आप मजाक कर रही हैं? मैं तुमसे मजाक करूंगी? हाँ? क्या समझ गए? रखा है? क्या हुआ नंदी, क्या चल रहा है?
कुछ नहीं शेखर, कुछ नहीं। तो फिर इस डिलीवरी वाले पर चिल्ला क्यों रही हो? सर अपनी पत्नी को समझाइए, मैं आपकी तरह अमीर नहीं हूँ, लेकिन ठीक है हम माफी मांगते हैं, आप जाओ। आप माफी बस एक शब्द है जो आपको अपनी गलतियों को कवर करने में मदद करता है, किसी और के साथ इस तरह की गलती ना दोहराएं। ठीक है। अरे नंदिनी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम ऐसे लोगों से अनावश्यक बहस क्यों करती रहती हो। अनावश्यक? अरे आप मेरी समस्या को कैसे समझ सकते हो? आपको समय पर खाना जो मिल जाता है, लेकिन क्या सोचा है कि मुझे इसके लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? नंदिनी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन समस्याओं को हल करने का यह तरीका नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो फिर आप मेरी समस्या सुलझाओ। घर में गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, अब सिलेंडर नहीं मिला तो आपको खाना नहीं मिलेगा। ये क्या बात हुई नंदिनी, ये विशुद्ध रूप से तुम्हारी लापरवाही है, और तुम उस गरीब के साथ बहस कर रही हो। क्या कह रहे हो? मैं बहस कर रही थी? वाह 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 वाह, मैंने उसे गैस सिलेंडर की कीमत से 150 रुपए ज्यादा देने की बात कही थी। इसे ही रिश्वत कहते हैं नंदिनी। वाह वाह, अब तुम उसका पक्ष ले रहे हो। अरे नंदिनी, ये किसी का पक्ष लेने का सवाल नहीं है, ये एक तरह का भ्रष्टाचार है, और मैं भ्रष्टाचार का पक्ष नहीं ले सकता। क्या क्या कह रहे हो? क्या भ्रष्टाचार और हमारे घर में? श्रेयस, तुम्हारे पापा तो संत आदमी है, और मैं सिर्फ सिलेंडर के लिए पूछ रही थी। नंदिनी आधी बात मत बताओ और अपने किए पर पर्दा भी मत डालो। तुम ये भी अच्छी तरह से जानती हो कि तुम जो भी कर रही हो वो गलत है। शेखर देखो, अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालो। हाँ मॉम डैड, क्या आप मुझे बताएंगे प्लीज कि आखिर बात क्या है? श्रेयस, तुम्हारी माँ रिश्वत देकर गैस सिलेंडर लेने की कोशिश कर रही थी। रिश्वत? क्या? हाँ हम इसे रिश्वत ही कहते हैं। माँ रहने दे, मुझे पता है कि तुम भी अपने पापा का ही पक्ष लोगे। अगर मैं किसी को कुछ पैसे देती हूँ तो वह रिश्वत है, और जो तथाकथित उच्च वर्ग के लोग हैं अगर वो किसी चीज की पेशकश करते हैं तो वो सराहना का उपहार है, है ना? मॉम मुझे लगता है कि आप बात को बदल रही हैं। हाँ बिल्कुल। मॉम, मेरी राय में वो व्यक्ति जो सिलेंडर पहुंचा रहा था 100% सही था। बिल्कुल, इसका मतलब यही ना कि मैं ही गलत हूँ। हाँ माँ, आप 100% गलत हैं, गलती आप ही की है। वाह 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 वाह, रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, जब तुम दोनों को भूख लगेगी ना तब मैं बताऊंगी कि कौन सही और कौन गलत। अरे नंदिनी समझने की कोशिश करो, दुनिया बदल रही है और हमें भी बदलना होगा, नहीं तो हम पुराने हो जाएंगे। मॉम वो व्यक्ति सही कह रहा था, अब हमें इन सभी कुप्रथाओं को छोड़ना होगा। बिल्कुल सही बात, इस तरह की गलतियां शुरू में छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ी और बड़ी हो जाती हैं। जी कभी कभी जीवन से भी बड़ी हो जाती हैं। इसीलिए सरकार अब इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। वो कैसे? तुम लोग मेरा मुंह तो बंद कर सकते हो, लेकिन 135 करोड़ आबादी वाले देश में इस तरह की गतिविधियों को कैसे रोका जा सकता है? प्रौद्योगिकी मॉम, प्रौद्योगिकी के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके हर स्तर पर इस तरह के भ्रष्टाचार को ट्रैक करना और उनसे बचना मुमकिन है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता? हाँ माँ। क्या ये संभव है? और अगर हाँ तो कैसे, बोलो। माँ अब ये संभव है, चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। चलो समझाओ समझाओ। मॉम, हर बार जब आप अपने स्मार्टफोन पर टाइप करते हैं तो स्मार्टफोन जान लेता है कि आप आगे क्या टाइप करने वाली हैं। ये काम वो करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से, जो वो आपके पिछले टाइप किए गए वाक्यों से सीख रहा है। अच्छा जी। इतना ही नहीं मां, सिस्टम भी अपनी क्षमताओं में सुधार करता रहता है। अच्छा? बिल्कुल जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब हमारे हाथ में है, हम उसका इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं। तभी तो अब सब कुछ संभव है, बल्कि मैं कह सकता हूं कि कुछ भी असंभव नहीं है। माँ देखिएगा, वो दिन बहुत दूर नहीं है जब हमारे देश में किसान का स्मार्टफोन न केवल मौसम के पूर्वानुमानों को ट्रैक करेगा, बल्कि शायद मौसम का रुख बदलने पर किसान को उसके अगले कदम के बारे में सलाह भी देगा। अच्छा, इससे भी एक कदम आगे जाकर ये किसान को अपनी उपज के लिए सबसे अच्छी कीमत तय करने में भी मदद कर सकता है। वाह जी,
एक स्मार्ट फिशिंग ऐप अपने पिछले अनुभवों की मदद से मछुआरों को मछलियां पकड़ने में सही दिशा निर्देश दे सकता है, जिससे मछुआरे और ज्यादा मछलियां पकड़ सके। इसी तरह शिक्षा से जुड़ा एक समझदार ऐप हमारे छात्रों को उनके पिछले रिकॉर्ड और क्षमताओं को ट्रैक करके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी में मदद कर सकता है। ओह अच्छा जी मॉम, ये सूची अंतहीन है। लेकिन नंदनी, ये याद रखना कि उन लोगों के लिए आंखें खोलने वाला कदम होगा जो विशेष रूप से उन कामों में शामिल हैं, जो देश के भाग्य का फैसला करते हैं। जी मतलब? इसका मतलब है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब सार्वजनिक क्षेत्र में अहम भूमिका निभाएगी, जैसे कर संग्रह ऐप सरकार को कर चोरी के तरीकों का पता लगाने में मदद करेगा, जबकि एक सब्सिडी ऐप उन लोगों को बेहतर लाभ पहुंचाएगा जिन्हें इसकी जरूरत होगी, और देश के लोगों को सबसे अच्छी सुविधाएं और रास्ते आने वाला समय ही दिखाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में हाल में जिस तरह की प्रगति हुई है उसे देखते हुए ये तो तय है कि अगले दशक तक ये हमारे जीवन में और ज्यादा शामिल हो जाएगा। श्रेष्ठ, दूसरे देशों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल अब भुगतान करने के साथ साथ सब्सिडी और कल्याणकारी भुगतान में भी हो रहे फेर-फेर को दुरुस्त करने के लिए किया जा रहा है। इन कामों में तेजी लाने और इसे ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया जाता है। कल्याण के कामों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को ट्रैक करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम की टेस्टिंग भी की जा रही है। लेकिन क्या ये हमारे देश में भी होगा? क्यों नहीं होगा मॉम? नंदिनी, हमने इसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल के साथ शुरू किया है। ये सब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में हुई प्रगति से प्रभावित हैं। इस पर भारतीय नीति निर्माताओं के लिए तत्कालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह की नजर रखना जरूरी हो जाएगा। पिताजी, हमारी सरकार ई गवर्नेंस पर भी कड़ी मेहनत कर रही है ना? हाँ, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने हाल ही में ऑनलाइन टैक्स रिटर्न के आंकलन के लिए तकनीक में बदलाव किया है। कर विभाग की ई मूल्यांकन योजना 2019 कृत्रिम प्रौद्योगिकी की मदद से चलाई जाने वाली योजना है। सरकार ने अब कई चरणों में किए जाने वाले मैनुअल मूल्यांकन के बजाय ई रिटर्न की सुविधा शुरू कर दी है। ये तो बहुत बढ़िया है। ई मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह से तकनीकी होगी, जिसमें डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग और कर नियमों के गलत उपयोग या चोरी को पकड़ने के लिए सभी कॉम्पैक्ट उपकरण होंगे। भाई, मुझे वो नहीं मिल रहा जिसकी तुम बात कर रहे हो। इन सभी तकनीकी शब्दों का उपयोग किए बिना मुझे सरल भाषा में समझाओ ना। मैं आपको समझाता हूँ। डैड कह रहे हैं कि इस ई मूल्यांकन प्रणाली की मदद से कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति को किसी भी काम के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा जी, करदाता को पोर्टल के माध्यम से एक नोटिस जारी किया जाएगा जिसे वो अपने मोबाइल ऐप के जरिए भी देख सकेगा। ऐप या पोर्टल समय समय पर इस केस को अपडेट करते रहेंगे, जैसे ये बता देंगे कि नोटिस पर प्रतिक्रिया दी गई है या नहीं, या आगे की कार्यवाही हुई भी है या नहीं। ठीक है, मैं समझ गई। बिल्कुल, सरकार को कर में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए भी इस तकनीक का उपयोग करना चाहिए। हाँ बिल्कुल नंदिनी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी का पता लगाने, सब्सिडी में हेर फेर को रोकने और लाभार्थियों को ढूंढने के लिए किया जाएगा। इसके लिए पहला कदम डाटा संग्रह और विश्लेषण है। इंसान के लिए हजारों पन्नों के इस डाटा का विश्लेषण करना, और वो भी किसी गलती के बिना, नामुमकिन होगा, क्योंकि कर एजेंसियों के लिए करदाताओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल होता है। लेकिन ये कैसे संभव है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी तकनीक से लोगों को उनके द्वारा दिए गए कर के बदले बेहतर सेवाएं पाने में मदद मिलेगी। ये जोखिम की पहचान करते हैं, कर यानी टैक्स का हिसाब रखते हैं, कर संग्रह की निगरानी करते हैं, टैक्स रिटर्न सत्यापित करते हैं और कर से जुड़े सवालों के जवाब भी देते हैं। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम प्रौद्योगिकियां राजस्व एजेंसियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके करदाताओं के साथ अपने संचार को बढ़ाने में मदद कर सकती है। इससे नागरिकों को तेज और सुविधाजनक अनुभव मिलेगा। मां, इकट्ठा किए गए डेटा का विश्लेषण करके हेर फेर और गलतियों का पता लगाया जा सकता है, और साथ ही कृत्रिम बुद्धि की मदद लेकर सही तरीके से पैसों का इस्तेमाल करना भी आसान होगा। वो व्यक्ति जो सिलेंडर पहुंचा रहा था वो यही बात कह रहा था। उसने बताया कि अब कोई भी हेर फेर करना मुमकिन नहीं है। जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल तकनीक से किया जाता है। जैसे गैस सिलेंडर की सब्सिडी सीधे ग्राहकों के खातों में जमा हो जाती है, इसलिए हर बात पर नजर रखी जा रही है, खासतौर पर जिसमें पैसा शामिल है। अच्छा पापा, क्या कोई और क्षेत्र भी है जहाँ सरकार सब्सिडी दे रही है? हाँ हाँ बिल्कुल। कौन से क्षेत्र है बताइए तो जरा।
कुकिंग गैस के अलावा कई सेक्टर हैं जिनमें हमें सब्सिडी वाले उत्पाद मिलते हैं। हमारी सरकार सभी पेट्रोलियम उत्पादों यानी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी पर सब्सिडी दे रही है। अच्छा। सरकार चावल, गेहूं, अनाज जैसे सब्सिडी वाले खाद्यान्न भी दे रही है। ओहो। और खाद पर भी? हाँ, सरकार किसानों को खाद और कीटनाशकों पर सब्सिडी देती है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा पंप आदि स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। ओह। इसका मतलब कि सरकार जीवन को ठीक से जीने के लिए जरूरी लगभग सभी क्षेत्रों को शामिल करती है। हाँ, तुम सही समझी ना। और इसलिए इन सभी सब्सिडी को लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का इंतजाम करना जरूरी है। ये सचमुच बहुत बड़ा काम है डैड। बिल्कुल। मौजूदा स्थिति में उर्वरक सब्सिडी सकल घरेलू उत्पाद का 0.8% है। इस सब्सिडी को उर्वरक के आधार पर दो प्रकारों में बांटा गया है। किसान को यूरिया कम कीमत पर दिया जाता है, जबकि एनपीके उर्वरक के लिए पोषक तत्व, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फेट के आधार पर निर्माताओं को सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी पर बड़े पैमाने पर हो रहे खर्च को देखते हुए ये जरूरी है कि सब्सिडी लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था अच्छी तरह से की जाए। इसका मतलब है कि न सिर्फ वितरण बल्कि सब्सिडी की गणना भी एक बड़ा काम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैरामीटर शामिल होते हैं। और क्या, उर्वरक की जरूरत का अनुमान लगाना एक बड़ा काम है, जिसमें जलवायु, पर्यावरण नीति और मूल्य मैट्रिक्स की गणना की जरूरत होती है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ उर्वरक निर्माता और आयातक दोनों शामिल होते हैं। आपकी चर्चा से मुझे लगा कि तकनीक के बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है नंदिनी। ये सब्सिडी पिछले इतने सालों से दी जा रही है, हालांकि कई खामियां और लीकेज हैं। अब प्रौद्योगिकी इन समस्याओं पर काबू पाने और सार्वजनिक धन का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने में मदद करेगी। इस मामले में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक वरदान की तरह है। हाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियां जिला स्तर पर उर्वरकों की जरूरत का आंकलन करती हैं और इसके प्रबंधन में मदद करती हैं। सिस्टम में ज्यादा दक्षता और सटीकता बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में कई कारकों के साथ साथ कई हितकारकों के मेल की जरूरत होती है। लेकिन ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, इसे अंजाम देना कैसे संभव है? सभी आवश्यक मैट्रिक्स को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों में डाला जाता है, जो खाद की जरूरत को मासिक और साथ ही जिलेवार तरीके से बताता है, जबकि काम करने के घंटों को कम करता है और ग्रेन्युलरिटी और सटीकता को बढ़ाता है। जिलेवार जरूरत तय करने के बाद माल ढुलाई पर मिलने वाली सब्सिडी तय करना भी आसान हो जाता है, जो कि खाद को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कंपनियों को दी जाती है। बहुत बढ़िया, वाह। दरअसल हमारे देश में केंद्र सरकार की लगभग 30 योजनाएं हैं और राज्य स्तर की असंख्य योजनाएं हैं। इन योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन खास तौर पर देश के दूर दराज के इलाकों में भूस्थानिक दृश्य और छवि मान्यता के कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरणों की मदद से किया जा सकता है। हाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियां ऐसे बेहतरीन संचालन के लिए सबसे उपयुक्त हैं जो अलग अलग तरह के हैं और भौगोलिक और प्रशासनिक रूप से फैले हुए हैं। सब्सिडी संवितरण और प्रबंधन में नई तकनीक से लाभ उठाया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे निर्माण के लिए जो भविष्य के लिए फिट हों, सरकार को खुद को मजबूत करना होगा। डिजिटल परिवर्तन केवल नई तकनीकों के बारे में नहीं है, बल्कि उसके लिए संगठनात्मक संरचनाओं, शासन, कार्य प्रक्रियाओं, संस्कृति और सोच की जरूरत होती है। इसका मतलब ये भी है कि ऐसे मॉडल विकसित किए जाएं जिनमें सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिले, तभी सरकार डिजिटल परिवर्तन में होने वाले व्यापक लाभों को लोगों और समाज तक पहुंचा सकेगी। तो इसका मतलब है तकनीक का सफल इस्तेमाल करने के लिए जनता का सक्रिय समर्थन भी उतना ही जरूरी है। हाँ श्रेयस, तुम बिल्कुल सही हो। यह भी अच्छा है कि तुम इस फ्रंटलाइन कैरियर ऑप्शन के बारे में अच्छी तरह से जानते हो। अब हमारी सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप और विकास के लिए भी प्रचार कर रही है, जो सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में मदद कर सकती है। हाँ डैड, मैं इन तकनीकों पर नजर रख रहा हूँ और मैंने इस क्षेत्र में ही काम करने का फैसला भी किया है। ये तो ठीक है, लेकिन मेरे पास ना तो गैस सिलेंडर है और ना ही अब लंच तैयार करने के लिए समय ही बचा है, इसलिए आपको अब एक और बात तय करने की जरूरत है। कौन सी बात मोम, और किस बारे में? बेटे राजा, लंच के बारे में। कोई बात नहीं नंदिनी, आज हम रेस्टोरेंट में जाएंगे। अरे वाह, फिर तो मैं तुरंत जाकर तैयार होकर आता हूँ भाई। मैं भी गैस सिलेंडर का ऑर्डर दे देती हूँ। जी। बहुत बढ़िया, इस चर्चा से ढेर सारी बातें जानने, समझने और सीखने को मिली। okay.
आने वाला कल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 42वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था लोगों के लिए लोगों के द्वारा। आलेख था हेमंत लगवंकर का, हिंदी अनुवाद नेहा त्रिपाठी, संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र त्यागी, निर्माण और प्रस्तुति पंकजपति पाठक, प्रस्तुति सहायक गब्बर सिंह। भाग लेने वाले कलाकार थे मलविका जोशी, विश्वदीपक त्रिखा, ऋषि और सलीम खान। दोस्तों अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपसे दो प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की पूर्व सूचना देने में AI कैसे मदद कर सकता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की पूर्व सूचना देने में AI कैसे मदद कर सकता है। और दूसरा प्रश्न है, एक स्मार्ट फिशिंग ऐप कैसे मछुआरे की मदद कर सकता है। प्रश्न एक बार फिर से, एक स्मार्ट फिशिंग ऐप कैसे मछुआरे की मदद कर सकता है। हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। पता एक बार फिर से नोट कर लीजिए, विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।